T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैंस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। सिलेक्ट हुए 15 मेंबर्स में से सिर्फ विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव ही हैं जिनका फॉर्म मौजूदा IPL में बरकरार है। साथ ही मोहम्मद सिराज ने भी पिछले कुछ मैचों से फॉर्म में आने के संकेत दिए हैं, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या समेत बाकी सभी खिलाड़ियों ने या तो इनकंसिस्टेंट परफॉर्म किया है या सेलेक्ट होने के बाद पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। भारत को T20 वर्ल्ड कप दिलाने में अहम हथियार जसप्रीत बुमराह साबित होंगे, ये कहना है 2007 T20 विश्व कप के हीरो युवराज सिंह का। हाल ही में उन्होंने कहा कि बुमराह किसी भी मैच में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें इस विश्व कप में अपनी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। साथ ही उन्होंने सूर्य कुमार यादव पर भी अपना दाव खेला है। युवराज के मुताबिक सूर्य भारत के अहम खिलाड़ी हैं, वो जिस तरह से खेलते हैं महज 15 गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। भारत को T20 विश्व कप जिताने में सूर्य का अहम रोल होगा। इन दोनों ही खिलाड़ियों के स्टैटिस्टिक्स भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले 3 मैचों में बुमराह ने 6 विकेट लिए हैं और इस सीजन में 13 मैचों में 20 विकेट निकालकर पर्पल कैप होल्डर हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव ने इंजरी की वजह से कुछ मैच मिस करने के बाद जबरदस्त वापसी की। लास्ट 3 मैचों में भी उनके बल्ले से 56, 102 और 11 रन की इनिंग्स निकली है, जो उनके फॉर्म में रहने का सबूत है। चलिए अब आपको बताते हैं सिलेक्शन के बाद से किन-किन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस डाउन हुई है। कप्तान रोहित शर्मा की बैटिंग फैंस को खुशी से ज्यादा गम दे रही है। इस सीजन में रोहित ने 1 या 2 पारियों में हाई स्कोर किया है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वो फ्लॉप ही साबित हुए। पिछले 3 मैचों में तो उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश है। उनकी लास्ट 11, 4 और 19 रन की इनिंग्स T20 वर्ल्ड कप से पहले फैंस को नर्वस कर रही है। यही हाल हार्दिक पांड्या का भी है। पिछले 3 मैचों में उन्होंने 1 ही मैच में बैटिंग की है और इसमें सिर्फ 1 ही रन बनाकर वो आउट हो गए। बॉलिंग में उन्होंने लास्ट 3 मैचों में 5 विकेट निकाले। कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों का एक साथ आउट ऑफ फॉर्म होना इंडियन टीम के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। शिवम दुबे के सेलेक्ट होने पर जितनी तेजी से जश्न मनाया गया, सिलेक्शन के बाद उतनी ही तेजी से उन्होंने अपने फैंस को निराश भी कर दिया। पिछले 4 मैचों में शिवम ने 0, 0, 21 और 18 की इनिंग्स खेली है, जिससे उनके सिलेक्शन पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। युजवेंद्र चहल को आखिरकार अपने पहले वर्ल्ड कप में जाने का मौका मिला है, लेकिन सिलेक्शन के बाद का प्रेशर शायद वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। IPL में आमतौर पर अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले चहल पिछले 3 मैचों में फीके रहे हैं और सिर्फ 2 ही विकेट निकाल पाए हैं। रविंद्र जडेजा भी विश्व कप में अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई करने में स्ट्रगल करते ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले 4 मैचों में 2, 43, 18 और 5 रन की इनिंग्स खेली है, वहीं बॉलिंग में सिर्फ 1 ही मैच में 3 विकेट निकाले हैं। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 3 मैचों में से 2 में बैटिंग करते हुए 15 और नॉट आउट 14 रन की पारी खेली, जबकि बॉलिंग में लास्ट 3 मैचों में सिर्फ 2 ही विकेट निकाल पाए हैं।